देखिए, हमारी राय तो यही है कि गठबंधन की सरकार होनी चाहिए। तो बिहार का क्या होगा, भागलपुर का क्या होगा? बिहार का तो मोदी जी अपने संभाल लेगा। सरकार उसकी हो जो बेरोजगार को रोजगार दे। अभी जो है ये राजेश वर्मा है, बहुत सारा को गरीब कोरोना के टाइम में बहुत सारा कोऑपरेट किए हैं। सर आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार? प्लूरल्स पार्टी। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में क्या चाहते हैं आपकी इस बार, भागलपुर में किसकी सरकार? अब तो चाहते हैं कि आरजेडी की बने, कांग्रेस की बने, या तो अजीत शर्मा है। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब की बार बिहार में किसकी सरकार, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं भागलपुर के शाह मार्केट में। तो आइए हम जनता से जानते हैं कि वो क्या चाहती है, उनके मन में क्या है और वो इस बार किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहती है। आपका नाम? हमारा नाम MD शाहिद खान हुआ। जी सर, तो आप क्या चाहते हैं किस बार किसकी सरकार बने? देखिए, हमारी राय तो यही है कि गठबंधन की सरकार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जो हवा चली हुई है देश में, और नीतीश कुमार से देश की जनता पूरी खुश नहीं है, खास करके बिहार की जनता। वो उनका कोई काम नहीं हुआ बिहार में, लॉकडाउन से लेकर कोरोना काल से लेकर के। आप चाहते हैं कि गठबंधन, महागठबंधन की सरकार बने। तो आपने पहले भी लालू जी को राज करते हुए देखा होगा, तो क्या उनके उनके राज में इतना डेवलपमेंट हुआ था, इतना विकास हुआ था? उनके राज को जंगल राज कहा जाता है, तो क्या लगता है उनके बेटे उनके नक्शे कदम पे ही चलेंगे या फिर कुछ अलग हटके उनसे करने का कोशिश करेंगे? कोई नया युवा चेहरा है वो, तो कुछ उम्मीद तो है उनसे, हम लोगों को कुछ करेंगे वो। वैसे तो नेता लोग का खाली भाषा नहीं होता है, वो कहते हैं इलेक्शन के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन जनता को इन पर अभी भरोसा है। अभी वर्तमान में जो तेजस्वी यादव है कांग्रेस के साथ मिलाए हुए, और तेजस्वी यादव से ज़्यादा भरोसा कांग्रेस पर अभी है जनता को, कि कांग्रेस उनके ज्वाइंट में है, वो साथ लेके चलेगी, कुछ काम होगा बिहार का। तो स्मार्ट सिटी के बारे में क्या कहना है? भागलपुर तो स्मार्ट सिटी के सूची में शामिल है, लेकिन अंदर से क्या है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी कहीं है आपको नज़र आ रहा है? कहीं पर बता दीजिए आप, जहाँ पर आप खड़ी हैं वहाँ का बता दीजिए, स्मार्ट सिटी है? इसी को स्मार्ट सिटी बोलते हैं, नाला गली वाले भीड़ भाड़ दुनिया का, स्मार्ट सिटी के साइड लाइक लगता है आपको भागलपुर? बताइए। तो आप बताइए कि क्या करेंगे तेजस्वी यादव अगर वो आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो डेवलपमेंट करेंगे, वो विकास करेंगे? देखिए, अगर उनके पास ये मुद्दा लेकर उठे हैं तो वो भी कुछ सोच के अपना निर्णय जनता को सौंपे हैं, जनता पर आश्वासन दिया है, उस पर तो काम करना है उनको। तेजस्वी यादव ने ये दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, क्या ये पॉसिबल है, क्या आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। जब 5 करोड़ का आदमी गाड़ी चला सकता है, मंत्री लोग अरबों करोड़ों रुपया एक मंत्री के पास से निकलता है, तो काहे ना बिहार में जनता के लिए खर्चा कर सकते हैं? आप देखिए, कोई भी मंत्री को कितना कितना रुपया उनके पास आता है, जनता के पास क्या होता है? कुछ है जनता के पास? भूख मर रही जनता, खाने के लॉकडाउन से रोजगार पूरे शहर बिहार का खराब है। इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? विजय कुमार चौधरी। सर आप क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बने? बीजेपी की। बीजेपी की? सर क्यों? देश को चलाने वाला वही है और कोई चला नहीं सकता है। तो सर बीजेपी की सरकार आएगी तो नीतीश कुमार यहाँ फिर से राज करेंगे, और नीतीश कुमार 15 सालों से हम पर राज कर रहे हैं, यहाँ बिहार पर राज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी विकास नहीं हुआ, या फिर वो क्या कर रहे वो तो सबको दिख ही रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना है कि आगे वो कुछ काम अच्छा कर सकेंगे? हमको तो देश देखना है, जो देश को चला सके बस उसी को वोट दीजिए। सर तो बिहार का क्या होगा, भागलपुर का क्या होगा? बिहार का तो मोदी जी अपने संभाल लेगा। वो इतने सालों से तो ना ऐसा कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मौका नए खून को नहीं दिया जाएगा तो कला में नयापन कहाँ से आएगा? जी सर आपका नाम? मेरा नाम आलोक है। सर आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने इस बार? सरकार उसकी हो जो बेरोजगार को रोजगार दे। यहाँ रोजगार मिलने वाला नहीं है, सब बेरोजगार हो चुके हैं, ग्रास लेवल पर कोई वर्क है नहीं, जो भी है बड़े बड़े उद्योगपति के लिए रोजगार है या जो भी व्यवस्था है, लेकिन ग्रास लेवल पर काम नहीं है, प्रशासन शासन सब भ्रष्ट हो चुका है। आप क्या चाहते हैं सर, कोई एक नाम जो अभी आप क्या कह सकते हैं कौन बेहतर है? अभी हम किसी को नहीं लाइक किए हैं, जब बटन दबाना होगा तो नोटा बटन अभी चूज करके रखे हैं, लेकिन देखते हैं छवि देखेंगे, प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि का छवि देखेंगे कैसा है, उसके बाद हम बटन दबाएंगे। जी सर आप अपना नाम? ये मेरा मनीष कुमार नाम है। आप क्या चाहते हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार हो? ये तो हम लोग अपने पे कॉन्फिडेंस लेके बात करेंगे ना। बदलाव की बाहर है, बदलाव होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए, जनता बदलाव की बात कर रही है, उन्हें बदलाव चाहिए। जरा पीछे फिक्स हो जाती है ना। जी जनता बदलाव की बात कर रही है कि उन्हें बदलाव चाहिए। ये हम लोग आप लोग पे डिपेंड कर रहे हैं कि जैसा माहौल है वैसा काम करना है। जी तो क्या चाहते हैं आप कि किसकी सरकार बने भागलपुर में, किसकी सरकार बने सर आप ये बताइए? ये भागलपुर की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरा ये जनता की बात कर रहे हैं, जो जिसको चाहेगा वो बनेगा, ये हम लोग के यही सोच है।
जो अच्छा काम किए होंगे वो बनेगा। जी अजीत शर्मा को तो उन्होंने, वो पिछले दो टर्म से यहाँ पर यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया है, उनके कुछ काम बताइए कि आगे भी वो रह सकते हैं। यहाँ तो है क्या, मैंने दिल्ली में सरकार मोदी जी का, यहाँ नीतीश सरकार का, उसके पास क्या फंड आएगा, क्या उसके काम करेगा वो। सर जैसा कि बात है कि मोदी सरकार ने 1,15,00,000 रुपए यहाँ बिहार में दिया है कि बिहार का विकास हो, तो उसके बारे में क्या कहना है? जनता के पास आया कहाँ जनता के पास में, सब तो उधरे रह गया पैसा, किसी को कोई पैसा नहीं आया। अगर 10% किसी को दिया ना, तो इधर से 40% सरकार निकाल लेता। क्या चाहते हैं आप, इस बार किसकी सरकार बने? मेरा सरकार तो मोदी से बनेंगे, वही यही है, अभी बन रहा है, सब चीज में सगरे बढ़िया अति कर रहा है, चारों तरफ अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बढ़िया काम करेंगे। तो आइए महिलाओं से पूछते हैं कि उनके मन में क्या है। मैम आपका नाम? इंदु देवी। मैम क्या चाहते हैं आप, इस बार किसकी सरकार बने? बढ़िया सरकार बनना चाहिए और क्या जी। तो आपका क्या एक मुद्दा होगा जिसके मद्देनजर आप वोट करेंगे इस बार? मद्देनजर वही है, जो विकास करेगा उनको ही हम साथ देंगे। तो विकास के मद्देनजर रखते हुए कि आप सबको वोट दें? विकास नहीं चाहिए और क्या, जैसे अभी जो है ये राजेश वर्मा है, बहुत सारा को गरीब कोरोना के टाइम में बहुत सारा कॉपरेट किए हैं उनके, उन हम तो चाहते वो बने। सर आप क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बने? प्लूरल्स पार्टी। सर क्यों? क्योंकि बिल्कुल नए लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, बिहार में पहली बार एक ईमानदार प्रयास की जा रही है राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की। आइए इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? अभिजीत कुमार। क्या चाहते हैं इस बार किसी सरकार बने? सरकार तो एनडीए की बने। क्यों? क्योंकि अच्छे काम कर, सब कुछ काम अच्छे कर रही है, लेकिन यहाँ का विधायक चेंज होना चाहिए। हम लोग का सोच है कि युवा सोच के अनुसार राजेश वर्मा जी को सोच रहे हैं वोट देने का। जी राजेश वर्मा जी को। तो क्या लगता है इस बार भागलपुर से उड़ान भर पाएंगे लोग? हाँ जरूर भरेंगे, राजेश वर्मा जी बोल चुके हैं वो जरूर करवाएंगे यहाँ से, उनकी सोच अच्छी है और वो जरूर करेंगे इस बात को पूरा। आइए और लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर नाम हुआ। सर क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बने? जी मैडम। क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बने? सरकार की तो मोदी की बने तो अच्छी है जी। सर क्यों चाहते हैं आप मोदी की बने? बहुत कुछ किया बिहार के अंदर में, आदमी कुछ और उसको बदनाम कर दे कुछ और भी है। सर तो मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया, लेकिन यहाँ पर अगर मोदी जी की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो नीतीश कुमार आएंगे फिर से, और 15 साल से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कितना विकास किया है, तो उसके बारे में क्या कहना है कि आगे भी वो विकास कर पाएंगे अगर एक और उन्हें मौका मिले तो? जरूर मिलेगा मौका, आशीर्वाद सब भाई करेगा तो जरूर आशीर्वाद मिलेगा उसको। तो क्या वो विकास कर पाएंगे? जरूर जरूर। आपका नाम? इब्रार। क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बने बिहार में? जिसकी बने, जातिवाद नहीं होना चाहिए, बस आदमी तो यही चाहता है, पूरे देश में जातिवाद है, हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं होना चाहिए। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में क्या चाहते हैं आपकी, इस बार भागलपुर में किसकी सरकार बने? हम तो चाहते हैं कि आरजेडी की बने, ये कांग्रेस की बने, या तो अजीत शर्मा है। सर क्यों आरजेडी क्यों? क्योंकि जातिवाद थोड़ा वो कम करता है। जातिवाद कम करते हैं, जैसे आरजेडी की बनती है तो तेजस्वी प्रताप आएंगे, लेकिन क्या तेजस्वी प्रताप अपने पिता के नक्शे कदम पे ही चलेंगे या फिर उनसे कुछ हटके करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लालू जी के राज को जंगल राज कहा जाता था। नक्शे कदम पे चलते तो उनके फोटो जरूर देते अपने इसमें, लेकिन अपने उन्होंने फोटो नहीं लगाए। स्टेटमेंट दिया है कि बाबू साहब, मेरा नाम जयंत कुमार सिंह, कल वो स्टेटमेंट दिया है कि बाबू साहब लोग को ये करते थे तो जातिवाद पर तो उतर गए। मॉर्निंग सन शोज द डे। सर आप क्या चाहते हैं इस बार किसी सरकार बने? सरकार मोदी का बनना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने 15 साल हम पे राज किया है, बिहार पर राज किया है, और क्या विकास हुआ किया है। परंतु अगर मान लीजिए एक घर में बाप ही है, उसका चार बेटा अगर चार रंग है तो चार रंग का काम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार पर ही भी एक आदमी पूरे बिहार को कंट्रोल कर ले, ये बात सही है। कुछ करप्शन है, हर जगह करप्शन है, ऐसी नहीं है कि करप्शन नहीं है, परंतु फुल्ली जो कह दे कि नीतीश कुमार बार ई में ये कर दिया, ये गलत बात। ये तो सही है। क्या लगता है आपको इस बार भागलपुर की जनता यहाँ से उड़ान भर पाएगी? भागलपुर की जनता पर तो हम ले लेंगे, हम अपने वोट से हैं कि हम जिस नीतीश कुमार के ई में हैं नीतीश कुमार को वोट दें। मेरा नाम विनय कुमार सरीन। विनय कुमार सरीन जी। सर क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बने? हम तो भाजपा ही हैं, भाजपा को वोट देते हैं। नीतीश कुमार सर क्यों? हां क्यों, कोई एक ऐसा वजह है जिसके? माहौल तो काफी 15 साल पहले ही माहौल चेंज हो गया है। 15 साल से सब लोग, 15 साल से जो पहले माहौल था और अभी माहौल में बहुत अंतर है,
फिर अगर दूसरे बीजेपी विकास कर पाएगी भागलपुर की बात विकास करे, उसके अलावा कोई नहीं विकास कर सकता। सर, लेकिन भागलपुर से बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है, यहाँ से अश्विनी कुमार चौबे निकले हैं, इतने साल हम भागलपुर के विधायक रहे हैं, वो तो उस वक्त जो भागलपुर था आज भी वही भागलपुर है, तो क्या लगता है उस वक्त भी कोई विकास नहीं हुआ था, इस वक्त क्या होगा अगर बीजेपी की सरकार आती है तो क्या लगता है विकास हो पाएगा? देखिए, विकास तो अपनी जगह बात है, जहाँ जिसकी सेंट्रल में सरकार होगी उसका सरकार हमारे भागलपुर में भी होना चाहिए। अगर वहाँ से अगर यहाँ पे सरकार नहीं रहेगा तो फिर वहाँ से पैसा कैसे आएगा? पैसे तो पहले भी बात हुई थी कि मोदी जी ने पैसे यहाँ पर के लिए दिए। हम तो यही भागलपुर की जनता को बोलेंगे, जिसका सेंट्रल में सरकार होगा उसका भागलपुर में सरकार हो, तभी काम होगा। आज समझ लीजिए कि भागलपुर में दारू बंद हुआ, मतलब कि वाइन बंद हुआ, तो समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जी, क्या चाहते हैं इस बार किसी सरकार बने? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार? सर, क्यों ऐसा चाहते हैं कि आप बीजेपी की सरकार? ऐसा क्यों चाहेंगे, सब दिन उनको वोटिंग किए, आज भी करेंगे। सिर्फ सब हर दिन हर बार आपने उनको वोटिंग दी है, काम हुआ है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने, पहली बात करें अगर शराबबंदी की बात करें, नीतीश कुमार ने यहाँ पर बिहार में शराबबंदी की, तो क्या ये सही फैसला था या गलत? फैसला तो सही है, लेकिन उस पर कड़ा एक्शन नहीं लिए हैं, शराबी चोरी चिपके बिकिए रहे हैं। तो देखा आपने, ये थी भागलपुर की जनता की राय, कोई राजेश वर्मा तो कोई अजीत शर्मा और फिर रोहित पांडे। तो इस बार ये बता पाना कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी और भागलपुर में किसकी सरकार बनेगी, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ये जनता ही डिसाइड करेगी। कैमरामैन सुमित के साथ मैं विजेता घोष, सिल्क टीवी।